बबन जोत विकास खंड के ग्राम पंचायत बुकनपुर में कोटे की दुकान के लिए आयोजित खुली बैठक में कोटेदार के चयन के लिए मतदान हुआ। वीरेंद्र बहादुर सिंह ने अपने निकटवर्ती उम्मीदवार को 41 मतों से पराजित किया। गांव में नए कोटेदार के चयन के लिए शुक्रवार को एसडीएम के निर्देश पर ग्राम पंचायत की खुली बैठक आयोजित की गई, जिसमें 4 उम्मीदवारों ने नामांकन किया। तत्पश्चात नामांकन फॉर्म का जाँच किया गया, जिसमे एक उम्मीदवार प्रियंका मिश्रा, पत्नी बुधसागर मिश्रा, EWS प्रमाण पत्र न होने के कारण उनका नामांकन पत्र रद्द कर दिया गया। तीनों व्यक्तियों के दावेदारी जताने पर मत विभाजन का निर्णय लिया गया, जिसमें वीरेंद्र बहादुर सिंह ने 103 मत पाकर 62 मत पाए। धीरेंद्र बहादुर सिंह को 41 मतों के अंतर से हरा दिया। सतिन कुमार सिंह ने 26 मत प्राप्त किए। विजयी वीरेंद्र बहादुर सिंह के नाम पर प्रस्ताव पारित किया गया। इस दौरान ग्राम प्रधान कन्हैया बख्श सिंह, तिलक राम वर्मा सेक्रेटरी, ISB बबनजोत राम मोहन वर्मा सेक्रेटरी, छपिया थाना प्रभारी निरीक्षक प्रमोद कुमार सिंह में फोर्स मौजूद रहे। प्रधान जी, आपके यहाँ आज चुनाव था ग्राम सभा का जी, तो उसमें किसने कितने प्रत्याशी थे? अब 4 प्रत्याशी थे हमारे यहाँ। अच्छा अच्छा, तो उसमें किसको जो है कोटा चयन दिया? एक प्रत्याशी का जो है पर्चा जो है खारिज हो गया था। अच्छा, किस कारण से खारिज हुआ है? उसमें जो कोई शासन आदेश आया था कि EWS जो प्रमाण पत्र है उनके पास वो उपलब्ध नहीं था। अच्छा, और इसमें फर्स्ट पे कौन आए जीते हैं, मतलब जिनको तो वो मिला है? फर्स्ट पे हैं वीरेंद्र बहादुर सिंह। कितना वोट मिला इनको? 103 वोट से। अच्छा, दूसरे पे धीरेंद्र बहादुर सिंह, इनको कितना मिला है? 62 वोट। और तीसरे पे सुरेंद्र बहादुर सिंह, इनको कितना मिला है? 26 वोट। अच्छा अच्छा, तो मतलब इसमें जिनको ज़्यादा वोट मिला है वही विजय हुई, उन्हीं को कोटा दिया गया जी। तो इसमें क्या कहेंगे आप, कोटा तो मिल गया है लेकिन किस तरह काम करेंगे? अब हमारा एक संदेश है कि कोटेदार जो है सुचारू रूप से गांव वालों को, मतलब पूर्णतया जो भी कोटा के नियमानुसार गल्ला वितरण करें और सभी जनता मतलब पूर्ण रूप से उनसे संतुष्ट रहे, यही मेरा संदेश है।